इसको नोट डाउन।
2 मिनट में क्लास स्टार्ट होगी, सभी स्टूडेंट्स रेडी रहिए सर, 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई वेलकम यू ऑल टू अवर ऑनलाइन क्लास डिजिटल मार्केटिंग और 3 in 1 जो कोर्स शुरू हो रहा है। कल इसका पहला दिन था। जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं एक बार वेलकम करता हूँ कि ये 90 डेज़ का जो है आपका कोर्स है, इसमें ऑनलाइन आपको डिजिटल मार्केटिंग, स्पोकन इंग्लिश और जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बैच नेशनल एकेडमी MPM मॉल एबिट्स में चलाया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू बैच। ये बैच इजी एक्सप्रेस के अंडर में जो एक ब्रांड है नेशनल एकेडमी, इसके तहत चलाया जा रहा है। इसके CEO हैं मिस्टर रमीज अली खान, जो है बिजनेस कोच है, ई कॉमर्स कंसल्टेंट है, मोटिवेशनल स्पीकर है और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर है। इसके हमारी इजी एक्सप्रेस जो ब्रांड है, कंपनी है, इसके डिफरेंट जो है वेंचर्स है, डिफरेंट यूनिट्स है, उसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। ईजी एक्सप्रेस ऑनलाइन शॉप प्राइवेट लिमिटेड, ये एक ग्रुप है। ईजी एक्सप्रेस होम इम्प्रूवमेंट्स, ईजी एक्सप्रेस होल सेल 99 स्टोर, ईजी एक्सप्रेस 199 कस्टम स्टोर, ईजी एक्सप्रेस 9 to 99 इंडियाज फर्स्ट कस्टम स्टोर, ईजी एक्सप्रेस E99 एक्सप्रेस TV, ईजी एक्सप्रेस ड्रीम बैंकेट हॉल जो MPM मॉल में ही है, और ईजी एक्सप्रेस नेशनल एकेडमी, जिसके तहत ये 3 in 1 कॉम्बो कोर्स शुरू किया गया है। ये 90 डेज कोर्स रहेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन इसमें क्लासेस रहेंगी। इसके अलावा हमारा एक और जो ब्रांड है 99 स्टोर ऑल इन वन, एक पोडियम मॉल में भी यूनिट है और यहाँ MPM मॉल में भी एक यूनिट है। 199 कस्टम स्टोर और इजी एक्सप्रेस नेशंस फर्स्ट 9 to 99 स्टोर, ये डिफरेंट ब्रांड्स है। हमारे साथ जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं वो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, और हमारे कुछ मीडिया पार्टनर्स हैं जिनके साथ मिलकर हम अपने ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं और जो है मीडिया तक, जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक हम पहुंचते हैं। ये इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो अब नेशनल एकेडमी, इससे पहले हमने जो बैचेस चलाए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको बतानी है वो क्या है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाई यू शुड डू डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाई शुड यू चूज डिजिटल मार्केटर एज योर कैरियर। डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़ और आप क्यों इसको चूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में जो है आपको कुछ मालूमात आपको मैं प्रोवाइड करूँगा इसमें, कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड एंड व्हाई यू शुड डू डिजिटल मार्केटिंग एंड यू शुड चूज़ योर कैरियर एज डिजिटल मार्केटर।
तो देखिए, दुनिया भर में जो है डिजिटल मार्केटिंग का एक ट्रेंड चल रहा है और एक रिक्वायरमेंट है कि जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं, इनको जो है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग इज़ नथिंग बट जो पहले इंटरनेट मार्केटिंग के नाम से की जाती थी, इट वाज प्रीवियसली कॉल्ड एज इंटरनेट मार्केटिंग। कोई इसको जो है वेब मार्केटिंग भी कहते थे और कोई इसको ई मार्केटिंग भी कहते थे। तो नाउ द वर्ड डिजिटल इज़ बूम हो गया है, इसलिए कि ऑल दिस सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जैसे आपका पीसी हो गया, आपके टैब है, मोबाइल्स है, एंड देर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑल इन डिजिटल फॉर्मेट है। तो ऑल इन वन बिकम यहाँ पर जो है डिजिटल मार्केटिंग के नाम से ये फेमस हो रहा है और ये दुनिया भर में ट्रेंड चल रहा है इसका। डिजिटल मार्केटिंग के ताल्लुक से जो प्लेटफॉर्म्स हैं, और डिजिटल मार्केटिंग इज नथिंग बट इसलिए जो है बहुत से कंपोनेंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ये कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें बहुत से कंपोनेंट मिलके डिजिटल मार्केटिंग इस्टेब्लिश हुआ है और इट्स इवॉल्विंग, और इसमें नए नए चेंजेस, नए नए डेवलपमेंट्स होते रहेंगे एज मार्केट्स रिक्वायरमेंट। अब यहाँ स्टार्टिंग में जो आपको ट्रेंड चल रहा है, व्हाई यू शुड चूज़, आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना है, क्या ट्रेंड चल रहा है, और जो ये जिन्होंने इसको अपना कैरियर बनाया है, व्हाट दे आर गेटिंग, एक दुनिया भर का जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में आपको यहाँ बेसिक इस स्लाइड में जो है इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। सैलरी ऑफ डिजिटल मार्केटर्स अक्रॉस द कंट्री, दुनिया भर के डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो डिजिटल मार्केटर को जो पे मिलता है, उसका एक यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको पेश किया जा रहा है। US में जो एंट्री लेवल पे जब डिजिटल मार्केटर अपना कोर्स करके मार्केट में एंट्री होते हैं और जॉब पे आते हैं, तो उनको जो है एक एवरेज एंट्री लेवल पे $55,000 के आसपास सैलरी मिलती है, और वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, थोड़ा 1 to 2 ईयर, तो उनको जो है वो सैलरी बढ़कर $70,000, ये ईयरली पैकेज होता है। और एक्सपीरियंस अगर लेवल पर आप जाते हैं तो यहाँ पर $80,000 के आसपास में पैकेज वहाँ पर अवेलेबल है। अब इसके मुकाबले में हम UK में जाते हैं तो यहाँ पर £30,000 एंट्री लेवल पे, मिड लेवल पे जो है £36,000, और एक्सपीरियंस लेवल पर £39,000 to £40,000। इसी तरह जो ट्रेंड एडवांस कंट्रीज़ में चल रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर $70,000 पर ईयर, और मिड लेवल पे 83, और एक्सपीरियंस लेवल पर 95 के अराउंड चल रहा है। इसी तरह सिंगापुर है, सिंगापुर में अप्रॉक्सीमेट $46,000 एंट्री लेवल में, मिड लेवल पे 63,000, और एक्सपीरियंस लेवल पर 81,000 के आसपास। अब आते हैं हम इंडिया में, जो एंट्री लेवल पे हमको जो है डिजिटल मार्केटर्स को मिलती है सैलरी, उसके बारे में 3,80,000 के आसपास आपको एंट्री लेवल पे मिलता है। ये एक एवरेज है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं कि हर एक को यही पड़ता है। और जो मिड लेवल पे होते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद, 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, एंट्री लेवल तो आप लोग समझ सकते हैं, जस्ट यू हैव कम्प्लीटेड, आपको जो है जॉब के लिए कहीं मिल रहा है ऑफ़र, और इफ़ यू आर क्वालिफाइड एंड यू हैव अचीव दैट स्किल्स एंड यू एक्वायर्ड दैट स्किल्स, यू कैन गेट जॉब एनी टाइम। तो ये मिड लेवल पे जो है हम पहुंचते हैं यूजुअली डिजिटल मार्केटर्स, तो 1-7 लाख के आसपास उनको ईयरली पैकेज मिलता है, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेवल हो जाता है 5 से 7 साल, तो उनको जो है तकरीबन 11 लाख के आसपास ईयरली पैकेज पड़ता है। तो अब इसको मंथली हिसाब से आप वो कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आते हैं हम मेन, हमारा जो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं और इसमें जो मॉड्यूल्स हैं या इसमें जो चैप्टर्स हैं, हम उसको क्लासिफाई करके एक एक के बारे में मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग क्लास है तो आपको ये बेसिक्स बताने के लिए जो है मैं आपको एक एक चीज़ का मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का ये जो मॉड्यूल है, ये जो कोर्स है, इट डिपेंड्स ऑन, यहाँ पर तकरीबन 28 to 30 मॉड्यूल्स हम जो है इसमें जो है कवर अप करेंगे स्टेप बाय स्टेप।
पहली जो चीज़ है, पहला जो मॉड्यूल है जिसमें ये बताया जाएगा आपको कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू इन इंडस्ट्री, व्हाई पीपल आर इंटरेस्टेड, व्हाई पीपल नीड डिजिटल मार्केटर्स, डिजिटल मार्केटर के और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनकी जो जॉब प्रोफाइल होती है, उनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उस पर जो है हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला जो चीज़ है, जब डिजिटल मार्केटिंग का नाम लेते हैं, जब आप एंट्री होती है उसमें, तो वेबसाइट जो है एक अहम टूल है, उसके बगैर जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ सबसे पहले जो है हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को जो है स्टडी करेंगे, आपको जो है इसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि विच प्लेटफॉर्म यू यूज़ टू मेक योर वेबसाइट्स। तो देर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इन द इंडस्ट्री नाउ प्रैक्टिस। तो जो मोस्ट कॉमन जो है प्लेटफॉर्म जो है दुनिया भर में चल रहे हैं, मोस्टली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको कहते हैं CMS। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है कि आपका जो भी कंटेंट होता है, उसको पूरा एक सिस्टम कंट्रोल करता है, और उसकी खूबी ये होती है कि आपके एक क्लिक से पूरी वेबसाइट में जो डिज़ाइनिंग है, उसका जो लेआउट है, उसका जो कलर है, उसका जो फॉन्ट है, वो पूरा एक ही जो है क्लिक में आपका डिफरेंटली चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास मान लो कि 10 पेजेस है, 20 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो जितने पेजेस होते जाएंगे आपके पास, वो सब के सब उस अंदाज में उसका लेआउट चेंज होएगा, कलर चेंज होएगा, हर चीज़ आपको ऐसे लगेगा कि ये साइट ही बिल्कुल डिफरेंट है। और फिर इसकी फंक्शनैलिटी जो है, ख़ास तौर पर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो ज़्यादा दुनिया भर में यूज़ होता है, वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में दुनिया भर की तकरीबन 35-40% वेबसाइट जो है वर्डप्रेस में बनाई गई, क्योंकि वो इतना ईजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है, और उससे आसानी से अपने कंटेंट को, अपने वेबसाइट को मेंटेन किया जाता है। और इसके जो फीचर्स हैं, इसके डैशबोर्ड में जाने के बाद में आपको जो है पता चलेगा कि हाउ यू चेंज द थीम्स, हाउ यू मेक योर साइट आइडेंटिटी प्रोमिनेंट, और किस ये ऑलमोस्ट आपको सर्च इंजन रेडी इसमें जो है कंटेंट आप यूज़, यानी ऐसा होता है कि आपकी पूरी वेबसाइट जो है ऑलरेडी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हो गई, इसमें जो है आपको ये खूबी होती है वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस का जो है हम पूरा एक लाइव प्रोजेक्ट लेंगे, और हर स्टूडेंट को अपनी एक ओन वर्डप्रेस पे वेबसाइट का लाइव प्रोजेक्ट देंगे, आपको इस पे काम करना होगा। तो इसके अलावा भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे थोड़ा सा और एडवांस में HTML5, CSS टेक्नोलॉजी में जो है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो दुनिया भर में बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। तो एज ए फ्रेशर, एज ए बिगिनर, आपको जो है उस प्लेटफॉर्म पे भी आपको एक अपनी वेबसाइट बनाने के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा, और आपको सिखाया जाएगा हाउ यू मेक वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, और हाउ यू कस्टमाइज योर वेबसाइट कंटेंट्स, आप उसमें अपने जो है कंटेंट्स कैसे डाल सकते हैं, ऑलरेडी बनी हुई वेबसाइट को किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके बारे में यू विल कम टू लर्न अबाउट दैट। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ वेब प्रेजेंस। वेब प्रेजेंस क्या चीज़ होती है? आप एज ए डिजिटल मार्केटर जब मार्केट में एंट्री हो रहे हैं एज ए फ्रेशर, तो आपकी एंट्री हो रही, तो यू वांट, आपको चाहिए कि आपका एक प्रेजेंस हो वेबसाइट पे, आपका वजूद हो। तो एक जो है वेबसाइट है about.me, तो वो आपको जो है फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जो है आपको कैसे आपका प्रेजेंस वेब पे होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ हर स्टूडेंट को जो है उस प्लेटफॉर्म पे भी उसका वेबसाइट और पेज बनाएंगे, और एडवांस सर्विसेज आपको चाहिए, ये सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो वैसे आपको जो वेबसाइट बनाने का कॉन्सेप्ट है, वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको आपका आइडिया क्या है, किस प्रोडक्ट की या किस चीज़ की वेबसाइट आप बना रहे हैं, तो इस सबसे पहली जो चीज़ आती है वेबसाइट बनाने के लिए, तो कैसे वेबसाइट क्रिएट करेंगे और उसमें आपका जो क्या कंटेंट रहेगा। सपोज आप अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो अपनी वेबसाइट के लिए आप कुछ एक आइडिया प्लान करना होगा। प्लानिंग
एंड एग्जीक्यूटिंग, यानी जो आपका आइडिया है उसके रिलेटेड आपको वेबसाइट बनाना है, तो सबसे पहले आप दूसरों की वेबसाइट बनाने से पहले आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे। आप देखे होंगे कि कोई कई बार कंपनीज ऐसे हैं जो दूसरों के लिए वेबसाइट्स बनाते हैं लेकिन खुद की वेबसाइट नहीं होती है, तो ये ट्रेंड नहीं चलने वाला है आज के ज़माने में। सो यू मस्ट हैव योर ओन वेब प्रेजेंस, आपका वजूद इंटरनेट पे होना चाहिए, तो आप जो है दूसरों को फिर अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, थोड़ा सा रास्ता दूसरे आ रहे हैं। तो उसमें जो है आपको ये चीज़ करनी होगी, और वेबसाइट बनाने के लिए जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है, वेबसाइट बनाने के लिए आपको जो बेसिक आइडिया है कि व्हाट यू नीड टू क्रिएट योर वेबसाइट, तो आपको वेबसाइट बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका वो क्या चीज़ होगी, ठीक है। तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है क्या रिक्वायर होता है, डोमेन होता है, आपका जो वेबसाइट का नाम है दैट विल बी कॉल्ड द वेब एड्रेस। तो इसमें आपको जब स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो हम उस पर आएंगे। तो वेबसाइट बनाने के लिए जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपका डोमेन है, वेबसाइट का नाम होगा, फिर जो है आपको वेब होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर आपके फाइल जो भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वेबसाइट वहाँ पर वो स्टोर होकर रहेगी। और तीसरी चीज़ जो है आपका प्रोसेस है वो डिज़ाइनिंग ऑफ योर वेबसाइट, उसमें कंटेंट कैसे डालेंगे, क्या कंटेंट डालेंगे, व्हाट ग्राफिक्स शुड बी देयर इन योर वेबसाइट, व्हाट अदर कंपोनेंट्स लाइक वीडियो है, ऑडियो विजुअल चीज़ें हैं और दूसरे चीज़ें हैं, वो किस तरह जो है उसमें होनी चाहिए। वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हेन वी विल स्टडी दी मॉड्यूल और दैट चैप्टर पे जब आएंगे। इसके बाद जो अहम चैप्टर है वो जो है SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में कैसे ऑप्टिमाइज होगी, कैसे जो है लिस्ट होगी। तो इसमें ये बताया जाएगा कि व्हाट इज़ सर्च इंजन, सर्च इंजन होता क्या चीज़ है, और वेब ब्राउज़र में सर्च इंजन में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं, और किस तरह आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में नंबर वन आएगी या कम से कम उसके फ्रंट पेज पे आएगी, टॉप, यानी आप कोई चीज़ को रिजल्ट, कोई चीज़ का सर्च कर रहे हैं, कोई एक कीवर्ड स्टॉप डाल के उसमें, तो जब सर्च करेंगे तो जो सर्च रिज़ल्ट दिखाएगा उस पेज पे आपकी वो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, तो उसको ऑप्टिमाइजेशन करना होगा आपको। उसमें ऐसे कीवर्ड्स डालने होंगे वेबसाइट के अंदर आपके, जिससे सर्च इंजन में वो आपको जो चीज़ सर्च कर रहे हैं आपकी वेबसाइट का, तो वो उसमें अपीयर होना चाहिए। तो इसको जो ऑप्टिमाइजेशन होता है उसको जब हम करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसके डिफरेंट मेथड्स है, जब ये करेंगे तो आपकी वेबसाइट उसमें अपीयर होगी और वहाँ पर लिस्ट हो जाएगी। तो ये कैसे किया जाता है, सर्च इंजन कैसे आपके कंटेंट को रीड करता है, कैसे आपके वेबसाइट को जो है वो जो है रैंकिंग करता है, कैसे आप वहाँ पहुँचते हैं, जो ऑप्टिमाइजेशन होता है ये ऑर्गेनिक टाइप का होता है, इसमें आपको पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। यू हैव टू अडॉप्ट सर्टेन रूल्स, और जो एल्गोरिदम जो है सर्च इंजन सेट करते हैं, एल्गोरिदम क्या होता है बोलो तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो सर्च इंजन उसको वो गाइडलाइन देता है कि आपको यू हैव एक चेकलिस्ट देता है कि ये चीज़ें आपके वेबसाइट में होने। तो सबसे पहले आपका डोमेन इटसेल्फ एक जो है आपका एग्जैक्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड होता है, फिर उसके बाद में जो उसका टाइटल होता है वेबसाइट का, आप पेज खोलने के बाद में नज़र आएगा, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि आप सब बिगिनर्स हैं और स्टार्टिंग में आपको एक ओवरव्यू देना है कि व्हाट इज़ व्हाट कंपोनेंट्स यू आर गोइंग टू स्टडी एंड लर्न इन डिजिटल मार्केटिंग। तो सर्च इंजन में जो ऑप्टिमाइजेशन होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें SEM होगा, SEM इन सर्च इंजन मार्केटिंग, ये पेड होगा। यू हैव अगर कोई नई वेबसाइट लॉन्च किए हैं तो वो क्या करेंगे, अपने वेबसाइट को सर्च इंजन में लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, बिजनेस कोई भी नया शुरू होता है तो वो क्या करेगा, एडवर्टाइजिंग करेगा, प्रमोशन करेगा। तो उसी तरह आपको SEM में मार्केटिंग करनी पड़ेगी, पेड मार्केटिंग होगी। पेड मार्केटिंग में जो है आपको पेमेंट करना होगा और उसके ज़रिए आपकी वेबसाइट टॉप पे पहुंचेगी, तो वो जो है SEM। इसके बाद है लोकल SEO। लोकल SEO तो आपका बिजनेस जहां पर है लोकल एरिया में लोकल सर्च इंजन्स होते हैं, जैसे गूगल है, गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जो वर्ल्ड वाइड है,
अब इंडिया में अगर हम जो है कंपेरेटिव देखते हैं तो इंडिया मार्ट बोल के एक जो है वेबसाइट है, और जस्ट डायल का नाम सुने होंगे आप लोग, जस्ट डायल एक वेबसाइट है। तो ये लोकल बिजनेसेस को लिस्टिंग करते हैं, तो आपका बिजनेस जिस लोकेशन में भी होगा वहाँ पर आप उसको लिस्टिंग करनी होगी। तो ये भी जो है इसमें फ्री भी होता है और इसमें पेड भी होता है। जस्ट डायल में आप लिस्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको लिस्टिंग आपकी फ्री रहेगी, लेकिन थोड़े दिन के बाद में आप चाहते हैं उसको और कुछ बिजनेस को और पुश देना और जो है इम्प्रूव करना और ज़्यादा प्रमोट करना, तो या तो वो अपनी कंपनी से खुद आपको ऑफ़र देते हैं कि योर लिस्टिंग इज़ फ्री, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम इसको बूस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देंगे, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर दे विल प्रमोट, वो बोलेंगे कि आपको पेड सर्विस चाहिए, ये ऑफ़र है, ये पैकेज है, ये ऑफ़र है, ये पैकेज है, आप इस तरह करके दे विल गो फॉर दे विल आप वो आपको जो है आपको पेमेंट की तरफ ले जाएंगे। आप अगर फ्री में करना है दैट्स सफिशिएंट फॉर यू, यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन टेक उसमें जो है उसमें भी मार्केटिंग में पेमेंट देना होगा। तो SEO में लिस्ट करने के लिए आपको बिजनेस को गूगल का अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके ज़रिए आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। आपका अगर गूगल में जीमेल में अकाउंट है तो उसमें माई बिजनेस बोल के आप लिस्ट कर सकते, एक जो है अकाउंट होगा यानी उसी का गूगल का ही एक प्रोडक्ट है वो, तो उसके ज़रिए आप जो है लोकल बिजनेस में आपका जो बिज़नेस है उसको लिस्ट कर सकते हैं, उसको मैप में पिन पॉइंट कहाँ पर आपका बिज़नेस है उसमें लिस्ट कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट डाल सकते हैं, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसको ऐड कर सकते हैं, आपके फ़ोटोज़ आपके वीडियोज़ और आपकी कोई दूसरी चीज़ें उसमें जो इंटरेस्टेड है आपको उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट कर सकते हैं, और उस पर लोग रिव्यू भी अगर देंगे तो वो भी जो है आपको उसमें आपके सर्च में और गूगल के प्रेजेंटेशन में वो ऐड होता रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है हाउ सर्च एड्स वर्क, सर्च एड क्या होता है, कोई एक कीवर्ड्स आपको डालेंगे या सर्च इंजन में कोई एक इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं तो उस वो सर्च कर रहे तो जिस टाइप की इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं उसी टाइप का एड जो है आपको वेबसाइट में नज़र आएगा जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं। एग्जाम्पल आप डिजिटल मार्केटिंग से के ताल्लुक से एक दो चार वेबसाइट देखे कोई ऐसे ऐड देखे तो अब जो आने वाला ऐड है आपके ब्राउज़र में वो जो है उससे रिलेटेड ही एक एक अलग अलग कंपनी की तरफ से एक अलग अलग वेबसाइट की तरफ से आपको अपीयर होना शुरू होगा। तो इससे कस्टमर का जो बिहेवियर है, कस्टमर किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उस टाइप का ऐड कंप्यूटर में जो आपकी स्टैटिक्स होती है, जो आपका डेटा होता है, जो आपकी एनालिटिक्स होती है कि आप क्या चीज़ देख रहे हैं उसमें, आपका इंटरेस्ट क्या चीज़ है, अगर आप चाह रहे हैं कि कोई जो है मोबाइल लेना है कौन सा मोबाइल अच्छा है तो आपको बार बार वही ऐड आएंगे। आपको वॉच के बारे में देखना है, कोई वॉच के बारे में आप सोच रहे हैं कि मेंस वॉच चाहिए आपको, तो वो कीवर्ड्स को लेके उस स्टैटिक्स को लेके उस डेटा को लेके उसमें जो है एडवर्टाइज रन होते हैं। तो यहाँ पर सर्च एड्स है, डिस्प्ले एड्स है। यूजुअली जो डिस्प्ले एड होता है आपको एक चीज़ के बारे में डिस्प्ले भी होता है, कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट भी होता है। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर पर पहुँचेंगे तो आपको कैसे डिस्प्ले ऐड होता है, कैसे इट विल वर्क, वो आपको जो है सीखेंगे आप उसमें। उसके बाद शॉपिंग ऐड से आपको डिफरेंट वेबसाइट की तरफ से प्रमोशनल आते हैं कि ये चीज़ है, ये वॉच है, ये जो है प्रोडक्ट है, ये फर्नीचर का प्रोडक्ट है, तो इस तरह के शॉपिंग एड्स कैसे जो है उसमें अपीयर होंगे। उसके बाद जो है यूट्यूब है, वीडियो एड्स है उसके दरमियान में, या फिर फेसबुक है उसके दरमियान में, तो किस तरह ये ऐड इंसर्ट होते हैं, कैसे इसको एज ए मार्केटिंग टूल यूज़ किया जाता है, वीडियो एड्स में आएगा। उसके बाद में है मोबाइल पर आपको जो एड्स आते हैं मोबाइल एड्स के बारे में। उसके बाद एक जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है बिंग, बिंग में जो है किस तरह एडवर्टाइजिंग की जाती है। फिर गूगल में एडवर्ड्स, आपका जो अकाउंट होगा गूगल का, अगर आप कोई चीज़ को, कोई आपकी वेबसाइट को, कोई प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं तो वो उसको प्रमोट करने के लिए आपको एडवर्ड बोल के गूगल का एक प्रोडक्ट है उसमें आपको आपका कैंपेन सेट करना होगा, आपको उसमें एडवर्टाइजमेंट करना होगा, तो दैट विल बी वो जो आपका होगा एडवर्ड अकाउंट होगा, यानी आपका जो अकाउंट है ऑलरेडी उससे रिलेटेड आपको एक आईडी क्रिएट करके देगा वो, तो उसके बाद जो भी आप एड्स रन करेंगे उसमें दैट विल बी पेड, आपको पे करना है,
और वो गूगल रन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो उसके लिए आपको किस तरह आप ऐड क्रिएट करेंगे, किस तरह आप अपना अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसमें किस तरह आप पेमेंट करेंगे, किस तरह आपका जो ऐड रन हुआ है उसकी क्या स्टैटिक्स है, कितने लोगों तक पहुंचा है वो, आप कितने लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं, आपके टारगेटेड ऑडियंस कौन से है, वो आपको सेट करना होगा कि आप कोई एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो प्रोडक्ट किस एरिया में बेच रहे हैं। आप सपोज़ एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट एक हैदराबाद में है, या फिर ये मॉल है, मॉल जो है अबिट्स में है, इसको जो है जब प्रमोट करेंगे, ये मॉल को प्रमोट करना है, आप चाह रहे हैं कि बहुत से लोगों तक अब ये ऐड पहुँचे, लोग आप तक अप्रोच हों, तो एडवर्टाइजमेंट जब इसमें देंगे तो कहाँ देंगे, एडवर्ट्स में अगर दे रहे हैं तो उसका टारगेटेड ऑडियंस कौन सा रहेगा, आप उसका एक लिमिट, उसको आपको पिन पॉइंट बताना होगा कि ये एरिया या ये सिटी। अब मैं उसको ऐसे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में नज़र आ रहा हूँ, दुनिया में कहीं भी नज़र आने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला, आपको सिर्फ एरिया के लोगों को फोकस करना है। तो यहाँ का एक पिन कोड है, यहाँ का एक एरिया है 50001 बोले तो ये स्पेसिफिक एरिया है, और आसपास या इससे हट के हैदराबाद, ठीक है हैदराबाद के 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेंज में। अब बड़े बड़े मॉल्स कोटपल्ली में खुले हैं, उधर शहर के डिफरेंट इलाकों में खुले हैं, वहाँ के लोग इधर क्यों आएंगे, तो आपका फोकस होगा कि ये एरिए के आसपास के लोग टारगेट हो। तो उस टारगेटेड ऑडियंस को सेट करना, अब उसमें मेल हो फीमेल हो वो भी जो है आप, फिर उनकी एज क्या हो, कौन से एज के लोगों को जो है आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो ये टारगेटेड ऑडियंस तक आप पहुंचेंगे तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस पहुंचेगी और आपका उसको बेनिफिट होगा। तो इसमें इस तरह की जो है आपको एडजस्टमेंट और सेटिंग करके उसको रन करना होगा। एड वर्ड हो गया। अब उसके बाद में सोशल मीडिया क्या चीज़ है, सोशल मीडिया का फाउंडेशन क्या है, और सोशल मीडिया के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी सोशल मीडिया का ही एक यूनिट है, एक जो है हिस्सा है फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक में अभी जैसे गूगल एड वर्ड के बारे में बताया हमें, एड वर्ड जैसा होता है उसी तरह का एक एड सेंस बल्कि भी होता है, वो भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। उसमें क्या होता है, जैसे आपकी वेबसाइट है, आपको कोई ब्लॉग है और आप उस पर कुछ ट्रैफिक आती है, या ब्लॉग में कुछ ऐसा कंटेंट है जो लोगों के लिए इंटरेस्टेड है, लोग उसको बार बार विजिट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं और उस पर आकर कुछ अपना टाइम उस पेज पे गुजारते हैं, तो वो एनालिटिक्स के हिसाब से पूरा आपका डेटा सेव रहता है। और आप अगर पब्लिशर हैं उसके, आप ओनर हैं वेबसाइट के या ब्लॉग के, आपने क्रिएट किया है, तो आप एक लेवल पे आपके पास कुछ ट्रैफिक आ रही है तो एडसेंस के लिए गूगल को अप्लाई कर सकते हैं, साइनअप करना होगा उसको, आपका जो जीमेल अकाउंट है उसी से साइनअप होगा। साइनअप करने के बाद में आपको एक पर्टिकुलर आईडी देगा, दैट विल बी कॉल्ड योर पब्लिशर आईडी। तो पब्लिशर आईडी मिलने के बाद में आपकी वेबसाइट में जाके उसको एक बार, एक प्लगइन होगा वर्डप्रेस अगर यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसमें जो है आपको आपका पब्लिशर का आईडी डाल के सेव कर देंगे, तो वो ऐड जो है आपके वेबसाइट में गूगल चलाएगा और उससे कुछ ट्रैफिक जनरेट होगी, उससे जो भी फ़ायदा होगा उसका आपको कुछ शेयर आपको पे आउट करेगा। तो कैसे पे आउट करेगा, अकाउंट कैसे बनाएंगे, उसमें जो है आप क्या सेटिंग से उसको कौन से ऐड अलाउ करेंगे, उस हिसाब से जो है आपको उसमें सेटिंग करनी होगी, दैट विल बी कॉल्ड एड सेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है यहाँ पे फेसबुक है। फेसबुक में किस तरह आपको सेट करना है, इसमें भी सेम उसी तरह का टारगेटेड ऑडियंस क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, किस पर्पज़ के लिए आप जो है ऐड कैंपेन चला रहे हो, वो भी आपको कितने दिन के लिए चला रहे हो, कितने घंटे के लिए चला रहे हो, और टारगेटेड ऑडियंस कौन से है, उस पर आपको एडजस्टमेंट करना होगा, एड्स क्रिएट करना होगा और एड्स रन करना होगा। और इसके अलावा फेसबुक को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उसमें जो है एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, कैसे फेसबुक में अपना प्रोफाइल बनाएंगे, आपका सबका अकाउंट है या नहीं है तो आपको फिर बनाना होगा, है मेरे ख्याल में आपका है, है क्या क्या एक्टिविटी करते हैं उसमें, क्या करते हैं एक्टिविटी, चैटिंग करते, कुछ पोस्ट करते,
तो बहरहाल ये हम जब इंटरेक्टिव जब करेंगे उसमें तो उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। इसी तरह और एक दूसरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ट्विटर। ट्विटर के बारे में आप क्या जानते हैं, किसी के बारे में है कुछ नॉलेज ट्विटर क्या है चीज़ है? ये भी एक ट्विटर मीडिया का प्लेटफॉर्म है, सो विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। इसी तरह यूट्यूब मोनेटाइजेशन है, ये भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। गूगल जब अपना आपकी आपका अकाउंट होता है तो आपको जो है यूट्यूब का अकाउंट फ्री में देता है और उसमें आप जो है अपने वीडियोस जो बनाए हुए हैं उसको अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जब उस पर भी ट्रैफिक आएगी, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, उसके कुछ सब्सक्राइबर होंगे या फिर उस वीडियो को कुछ टाइम के लिए लोग देखते रहेंगे, तो 2 मिनट आपने देखा, 10 मिनट किसी ने देखा, इस तरह करके एक पूरा उसकी स्टैटिक्स गूगल में रिकॉर्ड होती रहती है। अब उसका पूरा डेटा जो है एनालिटिक्स जो है पूरी उसकी एनालिसिस जिसको कहते हैं ना, समझते हैं एनालिसिस का मतलब, एनालिसिस करना यानी उसको उसके जो डिफरेंट मैट्रिक्स है उससे ये पता करना कि इसको ट्रैफिक कितनी आई, कितने लोग देखे, कितने टाइम के लिए देखे, तो ये उसका कुछ बेसिक होता है। उस हिसाब से वो रिकॉर्ड देख के वो फिर आपको जो है मोनेटाइजेशन के लिए आपको रिजेक्ट कर सकता है, आपको अलाउ कर सकता है, या आपका अगर वो क्राइटेरिया को नहीं मीट करता तो रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि आप उसको अप्लाई करना होगा पहले। उसमें आपके यूट्यूब चैनल से आपको पैसे आना है, उससे मोनेटाइजेशन करना है, आपको इनकम जनरेट करना है, तो वो स्टेप में गूगल अलाउ करेगा या आपको डिसाइड होगा। फिर आपके जो कंटेंट है, यूट्यूब की हर एक कंपनी की एक पॉलिसी होती है, कुछ गाइडलाइंस होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनको आपको फॉलो करना ज़रूरी है, अदरवाइज योर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड और आपको अलाउ नहीं करेंगे वो। अब उसके बाद रही इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम भी जो है एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, और ये हर प्लेटफॉर्म अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो अब इंस्टाग्राम का जो ट्रेंड है वो नौजवानों में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उस हिसाब से जो है आपको नौजवानों को टारगेट करना है तो इसमें इंस्टाग्राम में मार्केटिंग करते हैं। इंस्टाग्राम इज ए सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, एज ए आप जो है प्रोफाइल जब बनाएंगे उसमें तो ये आपको बेसिक चीज़ें जो होंगी उसमें फ़ोटो शेयर कर सकती है, वीडियो शेयर कर सकती है, शॉर्ट जो भी आपको है, तो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मार्केटिंग पर्पज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपका जो प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम का, उस वो आपका पर्सनल जो अकाउंट है उसको कैसे बिजनेस अकाउंट में चेंज कर सकते हैं, अगर आप उसको बिजनेस पर्पज़ के लिए या जो है एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो जो है उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। देन पिंट्रेस्ट भी एक अलग से प्लेटफॉर्म है, और इसके अलावा स्लाइड शेयर एक अलग से प्लेटफॉर्म है, इसमें भी जो है, अब ये कोरा है, कोरा जो है एक किस्म का ऐसा फोरम है जहाँ पर लोग अक्सर सवाल करते हैं कोई चीज़ के बारे में, तो उसके बारे में जिसको मालूमात है या जो जवाब देना चाहता है वो जवाब देता है। तो आपको एक एग्जांपल, आप कोई चीज़ एक नई शुरू करना चाह रहे हैं जिसके बारे में आपको नहीं मालूम है, आप एक सवाल करेंगे कि हाउ टू ओपन स्कूल, आप एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट टू गेट लाइसेंस फॉर योर स्कूल, और एक एग्जाम्पल है इफ़ यू वॉन्ट टू इस्टेब्लिश ए रेस्टोरेंट, वॉट इज़ दी रिक्वायरमेंट बाई लॉ, आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो जिसको मालूम है या जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है आपको, जब भी आपको थोड़ी देर में जवाब लिखेगा एक आदमी, फिर दूसरा अपना पॉइंट लिखेगा, तीसरा अपना पॉइंट लिखेगा, तो इस तरह आपको इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। तो इस तरह करके वो लोगों का नेटवर्क बनेगा, सोशल नेटवर्क, और जब ये सोशल नेटवर्क बन जाता है तो उसको क्या करते हैं फिर, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म में आपको कुछ ऐड आना शुरू होते हैं, क्योंकि जब हज़ारों लाखों आदमी एक पेज पे आ रहे हैं, एक कंटेंट को देख रहे हैं, तो वो फ्री में जो आपको सर्विस दे रहा है उसको क्या करेगा, इन कैश करेगा। ठीक है, कोई भी दुनिया में फ्री सर्विस इसलिए देता है कि बाद में उससे उसको आगे बिजनेस मिले। गूगल आपको अकाउंट दे रहा है, क्या पे कर रहे हैं आप उसको, उससे कुछ फ़ायदा होगा बोल के वो आपको यूज़र्स बढ़ाते जा रहा है। जितने यूज़र्स बढ़ेंगे उसकी पॉपुलरिटी बढ़ेगी, जितने आपको जो है अकाउंट्स बनेंगे उसकी जो है क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और उससे जो है उसकी वैल्यू और क्रिएट होगी।
अगर दो चार आदमी कोई आपके वेबसाइट पे आ रहे तो उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होना, जब हज़ारों की तादाद में आएंगे लोग तो आपको उससे बेनिफिट होगा। तो कंटेंट आपको डिजिटल मार्केटिंग में ख़ास तौर पर, कंटेंट इज़ द किंग, आपको जो कंटेंट है वो आपका अपना ओन होना चाहिए। अब जो भी कंटेंट आपको बनाना है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्म में होगा, और जो है आपके पिक्चर्स के फॉर्मेट में होगा, वीडियोस के ऑडियोस के फॉर्मेट में होगा, पॉडकास्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद जो है ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा मॉडल है जिसमें अभी तो डिजिटल मार्केटिंग के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा बूम है, लेकिन पहले जो तो ईमेल मार्केटिंग जो है एक ऐसा आपको जो है मॉड्यूल है जिसमें हाउ यू क्रिएट मार्केटिंग लिस्ट, आपके पास जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है, पोटेंशियल लीड्स है, आपको ईमेल्स होना हुए लोगों को पहुंचने के लिए, तो उनका ईमेल कैसे आपके पास आएगा, और आपके पास सपोज ऑलरेडी कोई कोई डेटा प्रोवाइड कर देता है कि मेरे पास 10,000 आदमी का ईमेल है, डेटा है, आपको 1,000 रुपये में दे रहा हूँ, वो 10,000 आदमी आपके काम के नियत लेके क्या करेंगे आप? आपको जो आपका टारगेटेड ऑडियंस है वो मिलेगा तो आपको उसको फिर फॉलो करेंगे, उसको ऑफर देंगे या उसको जो है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताएंगे, तो इट विल क्रिएट वैल्यू फॉर यू। अब 10,000 आदमी को, 1,00,000 आदमी को आप ईमेल भेज दे रहे, जानते नहीं, पहचानते नहीं, कुछ भी ऑफर दे रहे, तो इट विल बी कंसिडर एज स्पैम के जैसा, उन्हें बोला कि ब्लॉक कर देगा आपको, अनसब्सक्राइब कर देगा। लेकिन अगर कोई जेन्युइन ऐसा चीज़ देख रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, तो वो आदमी बोलेगा कि वर्क फ्रॉम होम एक ऐसा चैप्टर है, बोलेगा आदमी हर कोई दुनिया में बताओ भाई घर में बैठ के काम करना बहुत अच्छा है, वर्क फ्रॉम होम करके आप बोलेंगे इतने पैसे कमाओ उतने पैसे कमाओ, तो आदमी रियलिटी में जब वो काम करता है तो कुछ इंटरेस्ट है बोल के वो आपके ऐड को क्लिक करेगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। जब इसके डिफरेंट फनल्स होते हैं, लैंडिंग पेज होता है, लैंडिंग पेज में क्या करते हैं लीड कैप्चरिंग के लिए आपका कुछ एम होता है, स्ट्रैटेजी होती है, उसके हिसाब से आपको वो करना होता है। तो इसमें जो है ईमेल मार्केटिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट है। इसके अलावा ऑनलाइन रिपोटेशन मैनेजमेंट है, जो ब्रांड है उसको कैसे ऑनलाइन, उसका ऑलरेडी रिपोटेशन है या नहीं है, तो ब्रांड क्रिएशन कैसे करेंगे, ब्रांड को कैसे मेंटेन करेंगे, ब्रांड को कैसे क्रिएट करेंगे, ये जो है इसके बाद इसमें आएगा। उसके बाद में एडसेंस का तो बता चुका मैं, अफिलिएट मार्केटिंग है। अफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि आप अपने वेबसाइट में किसी दूसरी वेबसाइट के, जैसे अमेज़ॉन है, ये सब बेस्ड है आपके ट्रैफिक के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर, आपके पास वैल्यू है तो आपको फिर वो जैसे अमेज़ॉन है या दुनिया भर के और डिफरेंट बहुत से कंपनीज है जो अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट के थ्रू क्या कर रहे हैं आप, कस्टमर अमेज़न तक भेज रहे हैं, तो आपके लिंक से जब कस्टमर अमेज़न पे जाएगा और वहाँ परचेस करेगा, खाली पहुँचने से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, वो परचेस करेगा तो आपको उसका जो परसेंटेज है प्रोडक्ट का उसका आपको पेमेंट आपको हर उसके हिसाब से, रेफरल के हिसाब से मिलता रहेगा। इसके अलावा फ्रीलांस बिजनेस है, आपको जब ये सारे स्किल्स अचीव कर लेंगे आप, ये सारे स्किल्स आपके पास आ जाएंगे, तो आपको फ्रीलांस वेबसाइट्स के लिए, फ्रीलांस बिजनेस करने के लिए कुछ ऐसे वेबसाइट और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद है जो आपको फ्रीलांसिंग का ऑप्शन देते हैं कि आप अपने घर से बैठे हुए दुनिया में कहीं भी रहो आप जो जो काम कर सकते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल है कि आई कैन क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू इन वन वीक, आई कैन क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू इन वन डे, आई कैन क्रिएट वेबसाइट इन 5 आवर्स। अब आप यहाँ पे एक ही सर्विस है, वन वीक में बोल रहे हैं आप, एक
एग्जाम्पल कुछ आपको आपको वो करना पड़ेगा, शोकेस करना पड़ेगा कि व्हाट यू कैन डू। आप बोलेंगे मैं वेबसाइट बनाता हूँ एक हफ्ते में, किसी को रिक्वायरमेंट है मेरे को आज ही सोना भी वेबसाइट, तो आप उसमें सपोज उसकी लिस्ट रखें 50 रुपये, इसमें रखें 100 रुपये, इसमें रखें 1000 रुपये, तो जिसको एक ही दिन में होना है उन्हें आपको कॉन्टैक्ट करेगा, बोलेगा भाई मेरे को आज ही चाहिए। तो वेबसाइट का जो रिक्वायरमेंट है आप वो रिक्वायरमेंट बताएंगे कि भाई मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए आपकी, आप अपने से तो किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते, तो क्या रिक्वायरमेंट है उसका, किस पर्पस के लिए वेबसाइट बना रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है, किस मकसद के लिए वेबसाइट यूज़ करना चाह रहा है, वो सारी लेके आप उससे एग्रीमेंट करके बाद आपका आप उससे पेमेंट ले लेके, या पेमेंट का जो मेथड होगा वो पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप जिस वेबसाइट के थ्रू आ रहे हैं आप, जहाँ पर आपका स्किल शोकेस कर रहे हैं कि आप मैं ग्राफिक डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं लोगो मेकिंग कर सकता हूँ, आई कैन मेक योर बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी, आपका न्यूज़ लेटर बना सकता हूँ मैं, आपका ब्रोशर बना सकता हूँ, उसकी कॉस्ट आप जो है मेंशन करेंगे, जो भी इंटरेस्टेड है आपको क्लिक करेगा, उसका एक पूरा सिस्टम है वेबसाइट में, वो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे। तो आपको पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, फिर आपकी सर्विस जो भी है वो प्रोवाइड करना होगा, उसकी कॉस्ट प्रोवाइड करना होगा, जो भी लीड्स आएंगे आप उसको आप क्या रिस्पॉन्स देंगे पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होकर रहता है, क्या अर्निंग हुई आपको, उसने क्या पेमेंट किया आपको, आपको ऐसे नहीं कि आप काम कर दे रहे हैं और पैसे नहीं आ रहे हैं, ऐसे नहीं होता, वो ऑलरेडी वेबसाइट उससे पैसे ले लेती है आपकी सर्विस, वो होल्ड करके रखती है, और जब आप काम करके उसको डिलीवर करती हैं और वो बताया कि हाँ भाई मेरा काम हो गया, उस वक्त पैसे रिलीज करती है, ऐसा नहीं कि उसने पैसे दे दिया आप काम भी नहीं करें आपको पैसे आ जाए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सो देर इज़ ए लॉजिक एंड देर इज़ ए प्रोसेस इन डूइंग दैट। तो यहाँ इस तरह की जो है, और दूसरी चीज़ है गूगल एनालिटिक्स या वेब एनालिटिक्स, किस तरह आपकी वेबसाइट में जो है ट्रैफिक आती है, उसका क्या बिहेवियर रहता है, इस पर जो है आप उसमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और ट्रेंड्स हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह उस पर स्टडी करेंगे। अब इसके अलावा आप जब कोर्स कर लेंगे आप, तो कोर्स करने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपको सर्टिफिकेशन हो, तो पर्टिकुलर हर चीज़ का एक स्पेशलाइजेशन होगा, उस स्पेशलाइजेशन के तहत एग्ज़ाम होगा आपका, और उसमें अपीयर होकर आप जो है अपना सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। सर्टिफिकेशन के लिए आपको गूगल को पेमेंट आपको करना होगा, एग्ज़ाम में अपीयर होना होगा, और एग्ज़ाम में आप एलिजिबल है पास कर सकते तो आपको सर्टिफाई कर देगा वो। देन वी विल मूव इट टू द एंड। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। अब लास्ट जो हमारा मेन पॉइंट है कि डिजिटल मार्केटिंग का ये जो कोर्स है 90 डेज का, इसमें आपको जो है जो ऑप्शन है, देखिए आपको एक महीने या 15 दिन में जो क्रैश कोर्स करेंगे, तो ये पूरे मॉड्यूल जो है आपको कम टाइम में सीख सकेंगे और पूरे कवर अप हो जाएंगे, और यू कैन गेट स्टार्टेड इमीडिएटली। अब अगर चाह रहे हैं 3 महीने में सीखेंगे 90 डेज में, तो ये आपको ऑप्शन है, लेकिन आई विल सजेस्ट इफ़ यू आर इंटरेस्ट रियली इंटरेस्टेड, अगर आप रियल में कुछ करना चाह रहे हैं इमीडिएट, और चाह रहे हैं कि आप कुछ आगे जो है जल्दी से सीख कर अपना काम शुरू करें, डिजिटल मार्केटिंग पूरे कंपोनेंट्स को आप जान लें, तो आप जो है फास्ट ट्रैक में ज्वाइन करिए। फास्ट ट्रैक का भी कोर्स जो है हमारे पास अवेलेबल है, और नीचे ऑफिस में जाके आप डिटेल मालूम कर सकते हैं, और इस स्पेशल ऑफर भी दे रहे हैं अभी इसमें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे जाके ऑफिस में उसकी डिटेल मालूम करिए। और जो फास्ट ट्रैक का कोर्स है उसकी फ़ीस भी जो है 20,000 थी ओरिजिनली, उसको कम करके जो है आपको स्पेशल ऑफर नीचे मिलेगा, आप जाने से पहले वहाँ पर डिटेल पता कर लीजिए, और आप इंटरेस्टेड है तो फास्ट ट्रैक भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स अप टू यू, आप जो बैच कंटिन्यू करना है कर सकते। तो यहाँ पर आपकी आज यहाँ पर क्लास कंप्लीट हो जा रही, तो